अभी भी मैं सुनता हूँ मुख्यमंत्री महोदय को, ये पता नहीं है कि एक तरफ तो आप कोरोना कर्फ्यू लगाते हैं, लॉकडाउन लगाते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास क्लैर के पास है, छिपू हॉल में है, उसमें आप 200 बिस्तरों का उद्घाटन करने व्यक्तिगत तौर पर आते हैं। मुख्यमंत्री महोदय, जब आपने अपने चुनाव क्षेत्र में 80-80 करोड़ के उद्घाटन वर्चुअल कर सकते हैं, चंबा से कर सकते हैं, शिमला से बैठ करके कर सकते हैं, तो इस कोविड सेंटर का उद्घाटन जो है वो भी आप वर्चुअल कर सकते थे। उसमें मेरे ख्याल को 100-150 लोग से ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठे हुए, और जो गाइडलाइन प्रोटोकॉल कोरोना का था उसकी भी धज्जियाँ उड़ाई गई है। आज हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की मरीजों की संख्या बढ़ रही है, और विशेष तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में इसका अब ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा है। ये तो ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्ट की सुविधा कम है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने पहले कहा था, 15 अप्रैल राज्य स्तरीय फंक्शन मुख्यमंत्री ने पद्धर में किया, सारे तहसील पद्धर के जो है लोगों को बुलाया गया, उसके बाद हरड़गलों में मीटिंग की जिसमें हजारों लोग इकट्ठे हुए, उसकी वजह से आज जो है चाहे हमारा डला पंचायत है, चाहे कुन्नू पंचायत है, चाहे इलाका दुंदा है, चाहे चुकू पंचायत, चाहे उरला पंचायत की बात करें, और विशेष तौर पर जोहार घाटी के जो लोग आए थे, काफ़ी संख्या में संक्रमित पाए गए हैं, और वो आज उनका इलाज चला हुआ है। अभी भी मैं सुनता हूँ मुख्यमंत्री महोदय को, ये पता नहीं है कि एक तरफ तो आप कोरोना कर्फ्यू लगाते हैं, लॉकडाउन लगाते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास क्लैर के पास है, छिपू हॉल में है, उसमें आप 200 बिस्तरों का उद्घाटन करने व्यक्तिगत तौर पर आते हैं। मुख्यमंत्री महोदय, जब आपने अपने चुनाव क्षेत्र में 80-80 करोड़ के उद्घाटन वर्चुअल कर सकते हैं, चंबा से कर सकते हैं, शिमला से बैठ करके कर सकते हैं, तो इस कोविड सेंटर का उद्घाटन जो है वो भी आप वर्चुअल कर सकते थे। उसमें मेरे ख्याल को 100-150 लोग से ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठे हुए, और जो गाइडलाइन प्रोटोकॉल कोरोना का था उसकी भी धज्जियाँ उड़ाई गई है। दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के वक्त जो है 2069 स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले गए हैं, हर पंचायत में कोई ना कोई स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सिविल हॉस्पिटल है, और उसमें आज कई स्वास्थ्य उपकेंद्र, सैकड़ों में स्वास्थ्य उपकेंद्र ऐसे हैं जहाँ ताले लगे हुए हैं, जहाँ स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहीं है, न महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, न पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। अभी जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था 5 साल, हमने 580 फीमेल हेल्थ वर्कर की भर्तियाँ की, और लगभग 80 मेल हेल्थ वर्कर की जो है भर्ती की गई है, जिसमें देरी भी हुई काफ़ी, लेकिन अब भी कई स्वास्थ्य उपकेंद्र खाली है। आज जितने भी कोरोना के वैक्सीन लग रहे हैं वो स्वास्थ्य उपकेंद्रों में लग रहे हैं, लोगों को दूर ना चलना पड़े, अपनी पंचायत में ही या प्राइमरी सेंटर में सुविधा लोगों को उपलब्ध हो। तो जब स्वास्थ्य उपकेंद्र में ताले लगे हैं तो कैसे जो है वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है आगे बढ़ेगा। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, जो फीमेल हेल्थ वर्कर की लगभग 800 पोस्टें खाली है, उन पोस्टों को शीघ्र अतिशीघ्र भरा जाए, ताकि जो है 50%
मेरिट के आधार पर और 50% जो है बैच वाइज के आधार पर जो है इन पोस्टों को भरा जाए। इस वक्त जो मेल हेल्थ वर्कर की पोस्टें हैं वो हिमाचल प्रदेश में 1800 पोस्ट निकाली हैं, उन पोस्टों को भरने का भी प्रयास सरकार करें ताकि जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है जो सबसे एक बेसिक फैसिलिटी निचले स्तर पे है ग्रामीण क्षेत्र में है उनमें जो है ठीक तरीके से जब स्टाफ लगेगा तो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी चलेगा, जो मरीज पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको दवाई देने का कार्यक्रम भी ठीक चलेगा। ये तो आप जान के खुशी होनी चाहिए, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना उससे पहले की सरकार ने भाजपा सरकार ने कहा था कि हम आशा वर्कर नहीं लगाएंगे और मैंने केंद्र सरकार से ये परमिशन लेकर के लगभग 8000 आशा वर्कर जो है हिमाचल प्रदेश में तैनात की है। आज वो गांव में जा कर के टेस्ट भी कर ले रही है, लोगों का टेस्ट रिपोर्टें जो है उन लोगों को पहुंचा रही है और अच्छा काम कर रही है। लेकिन आशा वर्कर जो है वो वैक्सीनेशन नहीं कर सकती, वो टीके नहीं लगा सकती और इसी तरह से आंगनबाड़ी वर्कर भी इस काम में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लेकिन मैं सरकार से चाहूँगा कि आशा वर्कर आंगनबाड़ी वर्कर स्टाफ नर्स डॉक्टर उनको तो आपने कोरोना वॉरियर्स की परिभाषा में लिया है, जबकि मेल हेल्थ वर्कर और फीमेल हेल्थ वर्कर महिला पुरुष कार्यकर्ता और पुरुष कार्य महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं को आपने इस श्रेणी में नहीं रखा है, जबकि वो वैक्सीनेशन गाँव गाँव में स्वास्थ्य उपकेंद्र में कर रही है, उनको भी ये दर्जा जो है उपलब्ध कराया जाए। आज सरकार मैं समझता हूँ सरकार की वजह से ही ये पूरे जो है टेस्ट नहीं हो रहे हैं, तब कहता हूँ लार्ज स्केल पे ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जाएं। लोगों को कई बार लगता है कि ये तो जुकाम है, मामूली जुकाम है, जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तब वो उपचार के लिए हॉस्पिटल में आते हैं, तब तक जो है उनकी पोजीशन बड़ी क्रिटिकल हो जाती है और ज़्यादातर जो आप जानते हैं ज़्यादातर जो मौतें हो रही है वो हॉस्पिटल में ही आकर के हो रही है, जबकि क्रिटिकल और जो हॉस्पिटल में मरीज रहते हैं कोरोना के उनकी ये भी शिकायत है कि उनकी ट्रीटमेंट की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी जो है पूरा ठीक तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दी जाती, ठीक तरीके से दवाइयाँ नहीं दी जाती, उनको बताया नहीं जाता है दवाइयाँ कब कब खानी है। इसलिए मैं जहाँ डॉक्टर और स्टाफ फोर्सेस पैरामेडिकल स्टाफ ड्यूटी पर हैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि वो इस तरफ जो है विशेष ध्यान दें ताकि मरीजों की जान बचाई जा सके। एक और सरकार ने एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया है, नोटिफिकेशन कर दिया है कि जो कोरोना की ड्यूटी पर कोरोना हॉस्पिटल में एक हफ्ता काम करते थे उनको एक हफ्ता प्रोटीन जो है प्रोटीन में चक्का जो है वो इंस्टीट्यूशन किया जाता था, अब सरकार ने उस जो है विड्रॉ कर दिया है, जबकि मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने इसका विरोध किया है। मैं भी चाहता हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन निकाली है उसको विड्रॉ किया जाए, जो पहले की नोटिफिकेशन है उसको बहाल किया जाए, क्योंकि आज अगर देखा जाए पूरे हिंदुस्तान में लगभग 1000 डॉक्टर जो है कोरोना से जो है वो उनकी मृत्यु हुई है, उनकी डॉक्टरों की नर्सिस की और जो इस काम में लगे हैं उनकी जो है ज़िंदगी भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका विशेष ध्यान रखा जाए, ये मैं सरकार से निवेदन करता हूँ। धन्यवाद।